चार है शेड, चार डिजाइन है, ये ग्रे शेड है, ग्रे ग्रे में ब्लैक, ग्रे में व्हाइट। तो ये मिक्स करके मैं इस सेट को, किचन का सेट को तैयार करूंगी। ये नीचे वाला है बैक सेट, और ऊपर से शीट फोम की लगानी है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर ये। तो पेंटिंग तो भैया ने आप लोगों को सिखाया है किस तरह पेंटिंग करनी है, तो अब सिलाई के लिए तैयार करते हैं। अब ये सिलाई के लिए तैयार है, अब इसकी सिलाई करनी है पहले। अब इसका जो फालतू है हमने सारा काट देना है, ठीक है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट है, ठीक है। कटिंग मैंने कर दी और इतना सिलाई के लिए छोड़ दिया। अब ये मैंने लंबी बना लिया है रिबन, तो अब ये लगेगा इस तरह, इस तरह पूरी आउटलाइन पे, ठीक है। करनी हो कम करनी हो तो देख ले आप कितनी चाहते हैं। ये देखिए एक शीट तैयार हो गई, ठीक है। ये छह हैं, इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूं फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ एक सिलाई लगाई है, तो इस तरह फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये पतीले पकड़ने के लिए है, तो अब इसको मैं बंद किस तरह करूँगी देखिए। पहले निशान लगा लूँगी गुलाई में, गुलाई वाली शेप में। दे दी हमने शेप इसको, अब इसकी कटिंग करके फिर मैं इसकी पाइपिंग करूंगी। तो फालतू है हम उठा लेंगे। किचन के सेट जो होते हैं ना, इसकी बहुत वैरायटी है, आप जितनी वैरायटी बनाएंगे तो ये बहुत प्यारी बनते हैं। मैं कुछ बना के दिखाती हूँ, कुछ जितनी मैं बना सकती हूँ। और मैंने चार शेप में कपड़ा लिया था कि उनकी मैचिंग करके मैं बनाऊँ, लेकिन एक जो है ना उस पर पेंट जो है ना डल आ रहा था, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा ये बता दूँ कि मैंने पेंटिंग की है क्योंकि मेरे पास काम टाइम था, लेकिन अगर आप एप्लिक करेंगे तो ये चार चांद लग जाएंगे और आपके ससुराल में आपकी बहुत इज्जत होगी, सब आपको मतलब के बहुत आपकी जगह बन जाएगी। क्योंकि ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना नई जिनकी शादी हुई है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो आप अपने किचन को सजाएं बनाएं तो इंशाल्लाह आप लोगों की चाहत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इंसान की इज्जत होती है कि कशीदाकारी करे, जो भी काम करे घर के, प्यारे लगते हैं। चलो अब ये मैं पाइपिंग करूँगी, अभी देख ले। नीचे से मैं पट्टी रखूँगी, ऊपर से इस तरह, ठीक है। इस तरह मैंने पहले पट्टी बना के रखी, तो इसको यूं करेंगे और एक कोना जो है ना उसमें हम ऐसे डालेंगे कोने में, ठीक है। ये कार्टून है, लेकिन मैं इससे अब ब्रेड की टोकरी बनाऊंगी। तो ये थोड़ा सा मैंने इसकी साइज का फोम ले लिया है, साथ में
एक साइड में ये दूंगी, एक साइड में ये दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, काट लेते हैं। ये देखिए, ये बीच वाला मैंने डाल दिया, सिलाई हो गई। अब इसका ये वाला लंबा हिस्सा डालेंगे और फिर सिलाई करेंगे, ठीक है। इसको बंद करना है हमने। बोलूंगी टुलू, ये देखें मैंने चारों तरफ सिलाई कर ली है। ये जब बनेगा तो इस तरह होगा, ठीक है। अब मैंने इसको पाइपिंग करनी है, साथ में ये चार कोनों पे ये रिबन लगाने हैं। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। अब ये जब मैं बंद करूंगी फिर बीच में रिबन लगाऊंगी, ठीक है।
ये बनाने में मुश्किल इसलिए हुई कि मैंने कपड़ा बहुत कम डाला, तो आप जब बनाएं तो थोड़ा सा कपड़ा लूज हो। अभी देखो इसको आप चौरास कोनों में बनाएं या गोल, मैंने गोलाई की है क्योंकि मेरी शीट टेबल वाली गोल है, तो वो आपकी अपनी पसंद है। थोड़ी सी मेहनत से देखें हमने ब्रेड टोकरी कैसे बना ली। ये देखें और ये बैक सेट इसकी, ये एप्रन सी रही हूँ। इधर बीच में मैं पॉकेट लगाऊंगी और यहाँ मैं झालर लगाऊंगी, ये जो तैयार करके रखी है, और साथ में फिर पाइपिंग करूंगी इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ये पॉकेट है तो इसको मैं पहले पाइपिंग कर लूँ, फिर जेब लगाऊंगी वहाँ। अच्छा जी, ये देखिए मैंने पॉकेट लगा दी। अब यहाँ सारी पहले पाइपिंग करके यहाँ तक रोक दूंगी, ठीक है, फिर वहाँ से स्टार्ट करूँगी गले से, फिर वहाँ और पीछे रिबन आ जाएंगे बांधने के लिए। ठीक है, सबसे पेपर पहले मैंने काट लिया, फिर कपड़ा, तो अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। ये अंदर जाएगा और इसके अंदर मैंने फोम डाली है, दो नीचे पहले फिर ये। यहाँ तैयार हो गया, अब यहाँ हमने पाइपिंग करनी है और ये ग्लव्स तैयार। तुम साइड से देख लो, अच्छा ये छोटा सा टावल है, इसके आउटलाइन में मैंने ये लेस लगानी है। लेस लगा के फिर हाथ से इसके अंदर मैंने सितारे लगाने हैं, तो ये टावल बन जाएगा। डिश में हम जब कुछ रख के मेहमान नवाजी करते हैं तो मेहमान के आगे ले जाते हैं, तो ऊपर डालने के लिए, और ये बहुत खूबसूरत भी लगता है और मक्खियाँ हर चीज़ से महफूज भी रहता है। कहीं आप डिश भेज रहे हैं तो आप ऊपर से रखते हैं, या मेहमान आए तो ये बनाएंगे तो देखना बहुत खूबसूरत बनता है। ये मेरी अम्मी बनाती थी, तो मैं अभी बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए। अब ये नोक आ रही है, तो नोक में हम गुलाई से लगाएंगे।